पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास इसका सही जवाब होगा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर यंत्र से। फॉर मोर वीडियो प्लीज विजिट आवर चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।